बहुत ही डिफरेंट है, कोई इमोशनल बयान नहीं है, ना ही कोई नोआ या फिर कलाम है, ना ही कोई कॉमेडी वीडियो है, ना ही कोई पाकिस्तानी ड्रामा है, की है फिर मम्मा। आज दी जो वीडियो साडे सब्सक्राइबर ने सानू सजेस्ट की सी कि जब एक हिंदू नाम बदल कर मक्का मदीना में गया तो क्या हुआ, क्या हुआ? ते एदा थंबनेल और टाइटल देख के काफी डिस्टर्बड है मेरा माइंड, की क्योंकि थंबनेल ते सी कि ओ दे जो पिट्स ते ब्लड सी, ते ऐसा क्यों हुआ या की ऐसा हो गया अंदर जान तो बाद कि अलाउड नहीं है हिंदूज नु जाना, क्योंकि सानू ऐसा फैक्ट्स नहीं पता ने। ते आज असि इस वीडियो विच जानांगे कि ऐसा भी की हो गया कि एदे उपर वीडियो बनाई गई है। तुसी भी देखो, असी भी देखते हैं और समझते हैं क्योंकि समझा रहे ने। अगर तुहानू साडा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल नू सब्सक्राइब कर लो जी और बेल आइकन नू भी प्रेस कर लो जी। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? दोस्तों, खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। अब इस खबर को सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा। पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों ये बात बार बार आती है। दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी इस खबर के बारे में सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और, मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात है ये, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा ही। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है तो आखिर वो क्यों है और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह पूजता है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहां पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर है, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि चार धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं, जैसे ही भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों का सच जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, वरना कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये बात मानते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है,
तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके भी रखेगा। वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें इस चीज करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को हम इंसानों ने बांटा है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिवजी को कैद किया है, मतलब ये तो वही बात होगी, लोगों ने ये कह दिया कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है, तो क्या आप मान जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा है तो ऐसा जरूर होगा। आप खुद ही दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कोई कैसे किसी चीज में कैद करके रख सकता है? वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से कम नहीं है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहां पर शिव जी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल आधा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं, और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, इनके बीच शिवलिंग स्थापित की गई है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए इनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे, इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। पर जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा था कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब शैतान की ये सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाए, यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली, लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था, वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए, इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा कर दिया, और तभी से बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उसे शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये शिवलिंग नहीं, बल्कि ये जो 3 खम्भे है वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध धर्म ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो शख्स से सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं, वरना आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपको बिल्कुल भी सम्मान ना करे, बस अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे। हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा दोगे,
आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे, और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों आपको मक्का मदीना आज जो सी वीडियो देखी उदे विच उन्होंने समझाया कि हिंदूज या कोई भी गैर मुस्लिम जो नहीं जा सकते और क्यों नहीं जा सकते कि उन्हां दी ओ पावन जगह है, पावन स्थान है। पर ऐ वी गल उन्होंने जो समझाई कि लोगों ने जो भ्रम फैलाया है कि शिव जी नु कैद करके रखा हुआ है या उत्थे शिवलिंग है, ऐ सब सिर्फ फेक न्यूज है, र्यूमर्स ने जो सानू नहीं फैलाने चाहिए। देखो कोई भी असी बनाए ने कि ऐ वख वख ने, ऐ अल्लाह है ते ऐ रब है, वाहिगुरु जी ने, ऐ शिव जी ने, है सब एक इंसान ने उन्होंने वंड दिता है, ठीक है। ते ऐ हो ही नहीं सकता कि एक रब दे घर दूजे नु कैद करके रखा जाए, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और ह्यूमन्स ने उन्होंने करके रखे ते इंसान दी इतनी हिम्मत इतनी मजाल ही नहीं है कि असी रब नु कैद कर सकी। ते ऐ जो न्यूज बनाते ने मैनू बड़ी हैरानगी उन्होंने उपर कि बिना सोचे समझे कुछ भी बस वीडियो चलान वास्ते, जिवें उन्होंने ऐ वाली वीडियो विच उन्होंने वीडियो चलान वास्ते लिखिया सी जब हिंदू एक गया तो क्या हुआ और खून बहता हुआ, पर वीडियो विच तां कुछ सी नहीं, ना कोई मैनू हिंदू दिखिया ना कोई खून दिखिया। बस उन्होंने समझाया है कि क्यों नहीं जा सकते या शिवलिंग की हैगा वे या नहीं आवे, और जड़े पत्थर मारते ने ओदे बारे दस्या कि उन्होंने दी मानता है, ठीक है। असी भी समझ गया, तुसी आई होप तुहानू ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुहानू किस तरह का रिएक्शन लग्या तुसी सानू नीचे कॉमेंट्स विच जरूर दसना जी। साड़ी वीडियो नू लाइक करो, साड़ी चैनल नू सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना जी। सत श्री अकाल। एक बार हैलान होने वाले मूवमेंट।